दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों और उनके बच्चों के नाम के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था सिर्फ जानवरों के नाम के बारे में, और मैंने लगभग लगभग 100 से ज़्यादा जानवरों का नाम इस वीडियो में बताया था। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में लिखा गया जानवरों के बच्चों के नाम, इंग्लिश में लिखा गया है एनिमल्स, जिसका मतलब आपको पता है जानवर, एंड देयर बेबीज और उनके बच्चे। सबसे पहले काऊ, COW, काऊ का मतलब होता है गाय, और इसके बच्चे को कहते हैं काल्फ, CALF, स्पेलिंग होती है CALF। अगला वर्ड है डॉग, DOG, डॉग मतलब होता है कुत्ता। डॉग का जो फेमिनिन जेंडर होता है, यानी कि जो स्त्रीलिंग होता है वो होती है बिच, ठीक है, BITCH। बिच मतलब होती है कुत्तिया, और इनके बच्चे को कहते हैं पप्पी, PUPPY, पप्पी मतलब होते हैं पिल्ला। ऐसे ही अगर हम लायन की बात करें, LION, लायन मतलब होता है शेर, और इसके बच्चे को कहते हैं CUB, कब, कब मतलब होता है शावक। ठीक है, अब इस लायन वाला का मतलब ये हुआ कि इस बिल्ली की प्रजाति में जितने भी, ठीक है, सिर्फ बिल्ली को छोड़कर, बिल्ली के बच्चे को किटेन कहते हैं, लेकिन बिल्ली को अगर छोड़ करके हम इस प्रजाति में अगर हम देखते हैं तो चाहे टाइगर हुए, ठीक है, टाइगर हुए या फिर चीता हुए, ठीक है, और लेपर्ड हुआ, तेंदुआ जिसको कहते हैं, या फिर जैगुआर हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका पांडा का, PANDA, पांडा, जो पांडा पशु होता है, ठीक है, दिखने में वो बिल्कुल भालू की तरह होते हैं। इसके अलावा अगर हम पांडा के अलावा और भी बात करें तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बच्चों को हम लायन कहते हैं, सॉरी कब कहते हैं, CUB, ठीक है ना, हम आगे इन वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कैट, CAT, कैट मतलब बिल्ली, स्पेलिंग होती है कैट, और किटेन मतलब होता है बिलौटा यानी बिल्ली का बच्चा, स्पेलिंग होती है किटेन की, KIEN। गोट मतलब होता है बकरी, बकरी के बच्चे को हम लैम्ब भी कहते हैं, मेमना, ठीक है, जो भेड़ के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किड दिया गया है, KID, किड मतलब होता है बकरी का बच्चा। हैन मतलब मुर्गी, और इसके बच्चे को कहते हैं चिक, CHICK, चिकन मतलब जो हम लोग बनाकर खाते हैं, ठीक है। तो उसी से बना हुआ है चिक, ठीक है ना, चिक मतलब होता है चूजा यानी मुर्गी का बच्चा। आगे आते हैं खरगोश पे, खरगोश स्पेलिंग होती है RABBIT, जिसको रैबिट कहते हैं इंग्लिश में, और इसके बच्चे को कहते हैं बन्नी, बन्नी का मतलब होता है खरगोश, ठीक है ना। यहाँ पे BUNNY, ये इसकी पूरी वर्ड मीनिंग होती है। अगला है बियर, भालू, ठीक है, BEAR, और उसके बच्चे को भी क्या कहा जाता है, कब, CUB, ठीक है। मैंने आपको बताया ना पांडा जो कि भालू की प्रजाति का होता है, तो पांडा के भी बच्चे को कब कहते हैं, और यहाँ पे भालू के बच्चे को भी कब ही कहा जाता है। कैमल मतलब होता है ऊँट, तो जैसे गाय के बच्चे को काफ कहते हैं वैसे कैमल के बच्चे को भी काफ कहा जाता है, स्पेलिंग होती है CALF। टाइगर, टाइगर मतलब चीता, और इसके बच्चे को भी CUB, कब मतलब शावक कहते हैं। क्रो मतलब कौवा, CROW, और इसके बच्चे को भी जो मुर्गी के बच्चे को कहते हैं सेम कहते हैं CHICK, चिक मतलब चूजा। डियर मतलब हिरण, और उसके बच्चे को फॉन कहते हैं, डियर, DEER, और FAWN, फॉन मतलब हिरण का बच्चा। डोंकी मतलब गधा, और इसके बच्चे को कहते हैं कोल्ट या फिर फोल, ठीक है, कोल्ट की स्पेलिंग COLT, या फिर फोल, FOL, फॉल मतलब होता है गधे का बच्चा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास फ्रॉग, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, FROG, और इसके बच्चे को कहते हैं टैडपोल, TADPOLE, छोटे छोटे बहुत होते हैं, ये मछली की तरह दिखते हैं, ठीक है, जब छोटे होते हैं तो, और पानी में लगातार जो तैरते रहते हैं, इनके पीछे पूंछ भी रहती है उस वक्त, ठीक है, तो मेढक का बच्चा। जिराफ, GIRAFF, जिराफ मतलब जिराफ, और इसके बच्चे को भी जो ऊँट के बच्चे को कहते हैं वही कहते हैं जिराफ के बच्चे को, गाय के बच्चे को भी काफ कहते हैं। वुल्फ मतलब भेड़िया, ठीक है, भेड़िए के बच्चे को भी कभी कहते हैं WOLF। गोरिल्ला, गोरिल्ला के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं।
स्पेलिंग होती है INFANT, इन्फेंट मतलब होते हैं गोरिल्ले का बच्चा, गोरिल्ला का बच्चा। इस गोरिल्ला की स्पेलिंग GORILL, हॉर्स मतलब घोड़ा। इसका अगर फेमिनिन जेंडर की बात हम करें तो घोड़ी होती है, स्पेलिंग होती है MARI, मेयर, मेयर मतलब घोड़ी। और इसके बच्चे को FAOL जो कि हम गधे के बच्चे को कहते हैं, फॉल वही होता है। मंकी मतलब होता है बंदर, और इस पे इसके बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। मंकी MONKEY, ठीक है। इन्फेंट और भी एक जीव के बच्चे को कहते हैं जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। इन्फेंट, इन्फेंट हमने पढ़ा है, देख लेते हैं गोरिल्ले के बच्चे को, ठीक है। तो जब गोरिल्ला के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं तो वहीं पे हमने एक और चीज़ देख लिया, बंदर के बच्चे को भी हम इन्फेंट ही कहते हैं। अगला है पांडा, PANDA, पांडा मतलब होता है पांडा। और इसके बच्चे को भी हम कब कहते हैं जो कि अभी पहले आपको बता चुका हूँ। अगले पे आते हैं सिप, SHEP, सिप मतलब होता है भेड़। और इसके बच्चे को लैम, मेमना कहते हैं। जिराफ, जिराफ मतलब जिराफ। और इसके बच्चे को हम काफ कहते हैं। आगे डक, DUCK, डक मतलब होता है बत्तख। और इसके बच्चे को कहते हैं हम डकलिंग, DUCKLING, बत्तख का बच्चा। ईगल मतलब गरुड़, EAGLE। और ईगलेट मतलब होता है गरुड़ का बच्चा, EAGLET। एलिफेंट मतलब हाथी, ELEPHANT। और CALF, काफ मतलब बछड़ा, इसके बच्चे को काफ कहते हैं। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। और इसके बच्चे को किट कहते हैं, KIT, ठीक है। FOX। और इसी के साथ आज की ये वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो ज़रूर पसंद आती होगी। तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में देखिए, अगर आप थंबनेल प्रेस करते हैं तो आपको हमारे नोटिफिकेशन जाएंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको तो मतलब इससे हमारा थोड़ा सा मोटिव डाउन होता है। और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करते ना तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है आपको। और अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो जब भी अपलोड होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा, ठीक है। और सिर्फ सब्सक्राइब करके भी अगर छोड़ देंगे तो सिर्फ मेरी काउंटिंग लिस्ट में रहेगी, मुझे काउंटिंग लिस्ट भी अगर बढ़ जाए तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकेंड का समय लगता है, नीचे रेड कलर का दिया गया होगा, ठीक है। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की वीडियो बस यहीं पे समाप्त होती है। अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो के लिए कमेंट करें।